संडे पूरी 100 रुपए मार्केट होती है और इस वाले पूरी का ना बहुत मीठा सा नाम। अच्छा, इसका नाम मिठाई बोला गिफ्ट जो कितनी मेहनत है इन लोगों की, वाकई में हेड्स ऑफ है। वैलेंटाइन डे आने वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे याद दिला रहे आज हमारी अच्छी खासी बात हो रही है। Hey guys, welcome back to our new vlog. तो guys, आज हम आए हुए हैं सदर बाजार। सदर बाजार में हम हैं अभी 12 टूटी चौक पर। तो 12 टूटी चौक पर आने का रीजन आज कुछ डिफरेंट है। आज हम आज आपको कोई मार्केट नहीं दिखाने वाले, कोई मार्केट व्लॉग नहीं बनेगा आज। आज हम आपको सबसे जरूरी चीज बताएंगे कि आपको इन मार्केटों में आना कैसे है। तो कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे और प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कि हमें यहाँ पर आने का नहीं पता चल रहा। तो इस वजह से आज का वीडियो हमारा स्पेशल यही रहेगा कि यहाँ के रास्ते क्या क्या हैं और कैसे कैसे आप इन मार्केट्स में आ सकते हो, जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए। और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ है 12 टूटी चौक, तो ये इसका एक सेंटर पॉइंट है। इसी से सारी मार्केट्स जो हैं डिवाइड होती हैं। तो इसी पॉइंट से हम शुरू करेंगे देखना जो भी सदर बाजार में मेन मार्केट्स हैं वो यहाँ से कैसे कैसे डिवाइड होती हैं और तो उनकी क्या क्या टाइमिंग्स होती हैं और कौन से दिन कौन कौन सा बाजार लगता है, तो ये सब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आज। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो गाइज, ये जो चौक आप यहाँ पर देख रहे हैं यही 12 टूटी चौक है और यहाँ पर चार रास्ते डिवाइड होते हैं। एक इधर से देख सकते हैं आप और एक ये ठीक सामने इस तरफ डिवाइड हो रहा है, एक इस तरफ जा रहा है ये देखो और एक जा रहा है इस तरफ। तो ये चार रास्ते इस चौक से डिवाइड होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है इस चौक तक कैसे आया जाए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको सारे रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं आसानी से। तो गाइज, 12 टूटी चौक पर आने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन होता है RK आश्रम। RK आश्रम से आप गेट नंबर 1 से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन गेट नंबर 1 पर अभी काम चल रहा है मेट्रो कंस्ट्रक्शन का, तो गेट नंबर 2 से आप एग्जिट करेंगे और उसके ठीक सामने ही आपको कई सारे बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं। तो उनसे आप बोल सकते हैं 12 टूटी चौक जाने के लिए और वो आपको 12 टूटी चौक छोड़ देंगे। किराया जो यहाँ पर लगता है वो लगता है 10 रुपये और कई बार वो 20 रुपये भी चार्ज हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट में रश लेवल कितना है और कई बार रिक्शा टू रिक्शा डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको वो 12 टूटी चौक यानी यहाँ पर छोड़ देंगे। तो सीधा सीधा रास्ता ही है गाइज, तो यहाँ से आप इजीली रिक्शे से आ सकते हैं। और गाइज, अगर आप अपने कन्वेंस से आते हैं 2-व्हीलर या 4-व्हीलर तो उससे भी आप यहाँ इजीली आ सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए मैं आपको पार्किंग बता दूँ तो दो जगह पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। एक आपको मिल जाएगी यहाँ पर मेट्रो के पास मेट्रो पार्किंग और उसी के साथ में लगी हुई है NDMC की पार्किंग। तो दोनों ही पार्किंग में आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं RK आश्रम मेट्रो स्टेशन से। जब हम 12 टूटी चौक पर उतरेंगे तो यहाँ पे 12 टूटी चौक से उतरेंगे तो यहीं से थोड़ी आगे जाके ग्रीन मार्केट लगती है, जो संडे को लगते हैं ग्रीन मार्केट, वो मिल जाएगी आपको। और उसी से यहाँ पे देखोगे आप, ये है सदर बाजार का बोर्ड, मेन सदर बाजार जहाँ पे लगता है संडे को। और उसके बाद मेरे पीछे ही यहाँ पे देखोगे आप तो ये जाता है डिप्टीगंज के लिए, जहाँ पे बर्तन मार्केट है, ये रास्ता जाता है उस तरफ के लिए। और अगर मैं इधर घूमूं तो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जाती है आपकी आजाद मार्केट की तरफ। तो गाइज, हम 12 टूटी चौक से अब ग्रीन मार्केट की ओर जा रहे हैं। तो सब मार्केट का हम आपको एक बार लुक दिखाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको आसानी से रास्ता याद हो जाए। तो ये सीधा सीधा रास्ता है। बाकी गाइज, अगर आप RK आश्रम मेट्रो स्टेशन से आएंगे तो आप 12 टूटी चौक से थोड़ी पहले भी उतर सकते हैं, तो आपको उल्टा आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ग्रीन मार्केट के ठीक सामने ही उतर सकते हैं। और इसी रूट पर, जिस रूट पर हम अभी जा रहे हैं ग्रीन मार्केट की ओर, यहीं पर संडे को 12 टूटी चौक की जो मार्केट है संडे पटरी बाजार, वो लगता है। तो वो भी हमने आपको दिखाया हुआ है, तो वो मार्केट लगती है इधर ही और वो संडे को ही लगती है सिर्फ, और वो मॉर्निंग में शुरू हो जाती है 8-9 बजे के साथ आसपास में और वो उस लगती है इवनिंग तक। तो इस तरह से ये मार्केट लगती है 12 टूटी चौक की संडे पटरी बाजार। तो ये देखो गाइज, इधर लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगी ग्रीन मार्केट जो संडे को लगती है, जिसका वीडियो हम आपके साथ हर संडे को शेयर भी करते हैं। तो ये है वो ग्रीन मार्केट। तो इस तरह से आप यहाँ ग्रीन मार्केट में जा सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, कुछ इस तरह की लुकिंग है। तो आज देखो कितना चेंज हो गया है, यहाँ पर आइटम्स ही बदल जाते हैं संडे को, सिर्फ संडे को ही यहाँ पे आपको पटरी बाजार मिलता है, क्लॉथ की कलेक्शन मिलती है, बाकी यहाँ पर आइटम सारे चेंज हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 12 टूटी चौक की ओर वापस से और वहाँ से दिखाते हैं आपको डिप्टीगंज कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर आ गए अब हम 12 टूटी चौक पर वापस से और इसके लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, तो यहाँ हमें डिप्टीगंज मिलेगा और ये फेमस है बर्तन मार्केट के लिए। तो इधर से इस तरह का बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ है और इधर से ही इसकी एंट्री हो जाती है। और यहाँ तो पहले तो कुछ इस तरह का बाजार है यहाँ पर,
बाहर की तरफ ये मिसलेनियस है, तो कुछ कॉमन सा बाजार है। लुक भी आपको देखते हुए दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको भी आइडिया हो जाएगी इन मार्केटों में क्या क्या मिलता भी है। यहाँ पे जैसे शादियों की जो थाली होती है, पूजा के जो आइटम्स होते हैं, तो वो सारे आइटम्स यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे मालाएं होती हैं। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स भी हैं मैं देख रही हूँ। बर्तन तो खैर है ही है, यहाँ पे बर्तन वगैरह भी आपको मिलने दिखने शुरू हो जाएंगे इस साइड। तो ये बताता है कि मतलब बर्तन मार्केट आने वाली है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से शादियों में जो लगते हैं ना बर्तन, जो केटर्स के बर्तन होते हैं ना बड़े बड़े, वो भी। और ये देखो डिप्टीगंज का बोर्ड आ गया। और थोड़ी सी आगे जब चलते जाएंगे आप तो आपको ये देखो बोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिप्टीगंज। तो ये है डिप्टीगंज बर्तन मार्केट। तो ये देखो थोड़ा सा आगे जा जाके आपको दिखाता हूँ आगे चल के, इस तरह की ये है। शुरुआत में कुछ यहाँ पर इस तरह की शॉप है, लेकिन आगे जब जाओगे ना तो आपको बर्तनों का पूरा पिटारा मिलेगा। ये देखो तो इस तरह से मार्केट आगे आगे जाती है, और इसमें एक गोल चक्कर आता है अंदर अंदर, वहाँ पर भी और ज़्यादा बर्तन से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखो ये बर्तन की पूरी होलसेल मार्केट है। ये देखो जो कैटरर्स यूज करते हैं इस टाइप से, हाँ, जो शादियों में देखे होंगे ना ऐसे जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर एक गोल चक्कर है बीच में, उसके गोल चक्कर के चारों ओर भी आपको बर्तन मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर अंकल जी बाहर लगा रखे हैं बर्तन। तो ये देखो और गाइस यहाँ की खास बात एक ये है कि यहाँ पे चूड़ियाँ मिल जाती हैं अंदर। हाँ, यहाँ पे रिटेल की चूड़ियाँ मिल जाती हैं, जो रिटेल्स में मिलती हैं। हाँ, अगर आपको यदि चूड़ियों में रिटेल चाहिए तो यहाँ पर अच्छी ऑप्शन है उसकी भी। ये देखो शॉप है, जैसे एक दो ये रेडी हो रही है अभी, ये मैंने दिखाई भी थी करवा चौथ के टाइम पे। इस तरह से देखो ये पूरा गोल चक्कर है, ये सारा सारा जो है, ये देखो चूड़ियाँ आ गई इसमें बीच में, ये देखो, और इधर बर्तन है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर आइटम्स मिल जाएंगे इस मार्केट में, तो पूरा होलसेल है बर्तनों का। और यहाँ पे जो बर्तन मिलते हैं वो आपको मिलते हैं किलो के हिसाब से। हाँ, यहाँ पर किलो के हिसाब से बर्तन मिलते हैं। तो ये पूरा गोल चक्कर है ये एक तरह का। अब यहाँ से हम वापस निकल जाएंगे बारह टूटी चौक की ओर। ये देखो कितने साइज है बर्तनों का, देखो पतीले का साइज देखो कितना बड़ा। चलिए गाइस इस गोल चक्कर में कि हम परिक्रमा करके आगे आओ। तो यहाँ से हम अब वापस जा रहे हैं बारह टूटी चौक की तरफ। हम वापस से अब आ गए हैं बारह टूटी चौक। तो सभी मार्केट जाकर हम वापस बारह टूटी चौक आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर आप उतरोगे और यहीं से आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको जाना है। तो गाइस ये तो चला जाता है यहाँ से आज़ाद मार्केट की तरफ, और आज़ाद मार्केट आप आगे से भी जा सकते हैं। तो हम आगे से आपको कोशिश करेंगे एक बार दिखाने की आज़ाद मार्केट, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो थोड़ा सा हम स्ट्रेट में आपको बताते हैं अभी। तो गाइज अब हम एंट्री करने वाले हैं सदर बाज़ार का मेन बाज़ार, जो संडे को सदर पटरी और दिन भी यहाँ पर पटरी लगती है। मेन बाज़ार है ये सदर बाज़ार का, और इस तरह का यहाँ पर आपको बोर्ड मिलेगा ब्लू कलर में, और इस तरह से पुलिस बूथ मिलेगा एक स्टार्टिंग में। तो ये लोकेशन है, आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखो तो आज संडे नहीं है, पर यहाँ भी आज पटरी लग रही है, जैसा कि आप देख सकते हो दोनों तरफ पटरी लग रही है इधर। तो आइटम्स तो सदर बाजार में सारे ही मिल जाते हैं, होलसेल मार्केट है तो यहाँ पे सारे आइटम्स आपको मिल जाते हैं, चाहे वो आप कपड़े के लो, कॉस्मेटिक लो, शूज लो, मतलब जो भी आइटम्स और बाकी होते हैं तो वो सब आइटम्स आपको तो मिल जाते हैं। और अब देखो ये वाला रास्ता जो आ गया, ये आ गया रोई मंडी का। यहाँ पर इस तरह से एरो भी लगी हुई है और लिखा भी हुआ है रुई मंडी एक शॉप पर, तो ये पहचान के लिए आप रख सकते हैं। छोले भटूरे की शॉप है कोने में। और इस तरह से ये जो वी मार्केट आप देख रहे हैं आगे आगे, ये सब रुई मंडी की मार्केट है। यहाँ पे आपको ज्यादातर जो मिलेगी वो मिलेगी ज्वेलरी आइटम्स, ज्वेलरी और कुछ मेकअप के आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि ये सदर बाजार का मेन रोड है, और यहाँ से ना गली निकलती है कुछ, वो गली अलग अलग आइटम्स के लिए फेमस भी हैं उनमें से कुछ गलियां ना। और गाइस ये रास्ता सीधा सीधा निकल जाता है कुतुब रोड, और कुतुब रोड से सीधा सीधा निकल जाता है चांदनी चौक के लिए। तो ये साइड पड़ता है चांदनी चौक। तो लेकिन हम उसके रास्ते कभी और वीडियो में आपके लिए बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको सदर के ही मेन बाजार्स के बारे में बताएंगे, मेन मार्केट्स जो हम दिखाते रहते हैं अक्सर अपने वीडियोस में भी। और जो हम अपने मार्केट्स में आपको कपड़े दिखाते हैं, जैसे कई बार दिखाती हूं आपको, जैसे कुर्ती दिखाती हूं, स्वेटर्स, कार्डिगन, ये सब इसी वाली लाइन पे मिलते हैं, इसी वाले रोड पे लगी होती है वो मार्केट्स। तो ये वाली है गाइस मटके वाली गली,
गली मटका वाली, ये ऊपर लिखा हुआ है इसके, गली मटका वाली। यहाँ पे आपको मिलेगा जो जितना भी कॉस्मेटिक आइटम्स होता है आपको यहाँ पे मिलेगा कॉस्मेटिक बेसिकली। इस तरह से आपके यहाँ कोने पे एक टॉय शॉप मिलेगी, एक इधर मिलेगी अम्ब्रेला शॉप, और इस तरह से ये है मटके वाली गली। गली है मटके वाली गली। ये देखो वापस हम आ गए हैं सदर मेन बाजार में। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं क्रॉकरी मार्केट कहाँ लगती है, जो हम आपको क्रॉकरी मार्केट के वीडियोस भेजते रहते हैं तो वो कहाँ पर लगती है वो भी हम आपको आज दिखाते हैं। आज पूरा डिटेल वीडियो हो गया रास्ते के बारे में ना। तो गाइस ये देखो ये क्रॉकरी मार्केट है, और ये जो लगती है ना ये संडे को तो फुल डे लगती है, और अभी ये हट गई होगी क्योंकि ये सुबह के बाद टाइम हो गया है इसमें, 10-11 बजे तक ये लगती है और उसके बाद शॉप्स खुल जाती हैं यहाँ पर। तो ये देखो ये है क्रॉकरी मार्केट जो हम आपको अक्सर अपने वीडियोस में दिखाते रहते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर पटरियाँ हट चुकी हैं और इस तरह से शॉप्स खुल गई हैं, तो इस तरह के आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्रॉकरी से रिलेटेड, और थोड़े बहुत होम डेकोर से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस तरह यहाँ पर आपको, पर लेकिन आपको इसमें क्रॉकरीज ज्यादा देखने को मिलेंगी। और ये वाली गली ना इसको बिल्कुल चेंज हो गई है, मतलब पहचान नहीं सकते कि जो सुबह में मार्केट लगती है वो यहीं भी लगती है। हाँ तो इस तरह से ये लगती है। तो अब हम वापस से चलते हैं मेन बाजार की ओर। ये देखो वापस से अब हम आ गए हैं मेन बाजार में। तो खाली खाली सा लग रहा है हमने खुद नहीं कभी इतना खाली कम देखा है ये, क्योंकि हम जब भी व्लॉग बनाते हैं भीड़ में बनाते हैं, तो यहाँ भीड़ कम है तो अजीब सा लग रहा है। तो सीधा कुतुब रोड जा रहा है ये। ये कुतुब रोड और सदर मेन बाजार का चौक है एक तरह का कह सकते हो आप इसे, और यहाँ से आजाद मार्केट की ओर निकल जाएंगे अभी हम, पर उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कुतुब रोड दिखाते हैं। तो ये कुतुब रोड है, और ये सीधा जाओगे तो लाहौली गेट, और वहां से आगे जाओगे तो चांदनी चौक, यहाँ से चांदनी चौक के रिक्शा भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे बैटरी रिक्शा। कितना किराया होता है भैया? 20 रुपए। तो ये देखो ये कुतुब रोड है पूरा। यहीं से अगर आपको काली बावड़ी भी जाना है ड्राई फ्रूट्स की मार्केट, तो वो भी यहीं से जाएगी। हाँ वो भी यहीं से जाएगी काली बावली। और ये मार्केट जो है ना ये डेली ओपन रहती है, ये कभी ऑफ नहीं रहती, इसकी खास बात ये है मॉर्निंग से इवनिंग तक ये हर वक्त ओपन रहती है मंडे हो चाहे संडे हो। तो गाइस इधर ही आपको थोड़ा सा आगे चलते ही आपको ये मार्केट मिल जाती है जिसे बोला जाता है माता शेरा वाली मार्केट। तो ये मार्केट है वो, और इसमें देखते हैं अंदर ये इसमें क्या क्या आइटम्स आपको मिलेंगे इस मार्केट के अंदर। ये देखो ये है मार्केट माता शेरा वाली मार्केट। ये इस मार्केट में क्या क्या ज़्यादा मिलता है? पार्ट्स का दुकान है, बैग्स पर्स वगैरह ये सब। अच्छा तो ये देखो ये कुछ मार्केट है माता शेरा वाली की। यहाँ पर स्टार्टिंग में बैग्स हैं और देख सकते हो आप बैग्स ज्यादा हैं इस मार्केट में। बैग्स मिलते हैं इस मार्केट में ज्यादातर? अच्छा वो सब भी है इसमें। अच्छा आगे मिलता है गैस चूल्हे का सामान, तो वो आगे मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बैग्स काफी मिलेंगे देखने को ना। तो भैया बता रहे हैं अंदर ना कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएंगे। तो इसका कोई टाइमिंग है मार्केट खुलने का? मार्केट खुलने का तो मार्केट तो सुबह 9 बजे खुल जाती है। अच्छा सुबह 9 बजे से इवनिंग तक, और डेली खुलती है? संडे को ऑफ रहती है क्या? संडे भी खुलती है। अच्छा इस मार्केट में तो ये मतलब ये कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी और ये ब्राइडल मेकअप वगैरह और ये गैस चूल्हे। अच्छा अच्छा और ये बैग वगैरह ये यहाँ पे मिक्सचर ये चीजें मिलती है। तो यहाँ पे भी जैसे देखो बैग्स ही लगे हुए सारे। ये देखो तो ये बैग्स दोनों करते हैं होलसेल और रिटेल दोनों में यहाँ पे आपको बैग्स मिल जाएंगे। वापस से हम आगे हैं कुतुब रोड की ओर, और यहाँ से हम चलते हैं अभी आजाद मार्केट के लिए। तो गाइज अगर आप 30,000 मेट्रो स्टेशन से आएंगे तो आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो 30,000 मेट्रो स्टेशन से ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां उन्हें नजदीक पड़ता है, वहां से उनको आना होगा यहाँ पर। यहाँ पर आ सकते हैं आप 30,000 मेट्रो स्टेशन से। तो ये चौक पर आप उतरेंगे और इस साइड आप देखेंगे यहाँ कुतुब रोड स्टार्ट हो जाएगा, और इधर सदर मेन बाजार जिसमें से हम अभी आए हैं। कितना रुपए किराया है यहाँ से? 10 रुपए किराया, 20 रुपए भी किराया होता है, भीड़ के ऊपर है। अच्छा तो यहाँ से रिक्शा ये जाता है, रिक्शा जाता है और यहाँ से रिक्शा भी जाता है, 10-20 रुपए किराया लगता है यहाँ से। अब हम बताने जा रहे हैं टॉय मार्केट किस तरफ है। यहाँ टॉय मार्केट आजाद मार्केट इस तरफ हम अभी जाएंगे।
तो ये सदर बाजार की टॉय मार्केट है गाइस। यहाँ से होलसेल में आपको टॉयज मिलते हैं, रिटेल में भी मिल जाते हैं। तो ये है तेलीवाड़ा चौक जहाँ पर ये टॉय मार्केट लगती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको होलसेल में टॉयज मिलते हैं, इस तरह से टॉयज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये देखो, ये इस तरह की मार्केट है सारी। भैया से ही पता कर लेते हैं क्या टाइमिंग है इस मार्केट की, टॉय मार्केट की। भैया 10:30 बजे ओपन होने लगती शॉप, होते होते 11 तक पूरी मार्केट ओपन हो जाती है। उसके बाद शाम के 6:30 से 7:30 के बीच में सारे क्लोज हो जाती हैं। और जो पटरी टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे खुल जाती है, जो लोगों को पटरी लगती है मेन। जी जी। तो ये ऑल डे ओपन होती है? ऑल डे नहीं, मंडे टू सैटरडे होती है, बाकी संडे पूरी सड़कों पर मार्केट होती है, बहुत ही भीड़ में होती है। यहाँ पे इस तरीके के गिफ्ट भी मिल रहे हैं आपके? जी मैम। ये कितने का भैया? ये 60 रुपीज का। 60 रुपीज का। ये देखो, जैसे आपको आने वाला है वैलेंटाइन डे आने वाला है। अच्छा, इसलिए मार्केट में जो 33 रुपए का आते हैं, मतलब आते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट होती है, फिलहाल तो अभी माल आ ही रहा है मेरा। हाँ, अभी तो वैलेंटाइन डे को भी टाइम है। मुझे याद दिला रहे हो तुम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे याद दिला रहे हो लग रहा है। कहने का मतलब कर रहे हैं कि आप भूल लेना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आजाद मार्केट की ओर। आजाद मार्केट में आपको क्रॉकरीज मिलती हैं ऑल डे, वहाँ पर पटरी नहीं लगती पर शॉप्स काफी हैं क्रॉकरी की। लेकिन संडे को वहाँ पे मार्केट भी लगती है, संडे पटरी बाजार भी लगता है वहाँ पे। तो भी हम किसी दिन किसी मतलब कोई भी संडे हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पर, अब धीरे धीरे यहाँ से आप सीधे सीधे आजाद मार्केट की ओर चले जाओगे। तो अभी हम वॉक करके ही जा रहे हैं आज। आज हमारी अच्छी खासी वॉक हो रही है, आज हमारा सारा जो भी खाया है ना वो सब पच जाना है एकदम से। हाँ, वैसे हम थोड़ा सा वार्म अप होने की कोशिश कर रहे हैं गर्मियों की। ओ भैया, ये तो भैया ने डरा दिया। भैया अभी कितना कितना सामान लेके चलते हैं यार यहाँ पर। यहाँ पर बहुत मेहनत है, सामान लेके चलाते हैं और जो ठेला चलाते हैं उनको हेड ऑफ कर। तो गाइस पूरे सदर बाजार में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है वो यही रहती है कि यहाँ पर जो भी सामान है उनको कैरी करने का, तो कैरी करने के लिए बड़ी व्हीकल्स यहाँ पर जा नहीं सकती, तो छोटे व्हीकल्स चलते हैं। पर कहीं कहीं पर छोटे व्हीकल्स भी नहीं जा सकते, वहाँ पर खुद ही कैरी करना पड़ता है। तो वहाँ पर सोचो कितनी मेहनत है इन लोगों की, वाकई में हैट्स ऑफ है, जिसकी वजह से सामान इधर उधर हो पाता है, वरना सामान इधर उधर भी नहीं हो पाए। तो उन लोगों का भी काफ़ी बड़ा योगदान है, जो भी हमारे घरों तक चीज़ें आती हैं उस सप्लाई चेन में सिस्टम में पूरा, उन लोगों का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर इस तरह का चौक आ गया एक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रश भी काफी है यहाँ पर ट्रैफिक का। और इस वाले पुरी का ना बहुत मीठा सा नाम है। अच्छा, हाँ मिठाई पुल। अच्छा, इसका नाम ही मिठाई पुल है, पर आपको यहाँ मिठाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह की मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं इस चौक पर पूरे। और इस साइड जो है, अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे उस साइड भी, वो पीली कोठी है जहाँ पे आपको काजू बादाम दाल दालें इस तरह के आइटम वहाँ पर आपको मिलते हैं, वो पीली कोठी है। और इस साइड जो है ये सारी आजाद मार्केट की ओर जा रहा है ये रास्ता। तो दोनों ही कवर करेंगे, अभी जाएंगे आजाद मार्केट फिर जाएंगे हम पीली कोठी। तो ये कुछ इस तरह का चौक है, और इसका नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है महारानी अवंतीबाई लोधी चौक। ये देखो, ये आजाद मार्केट लिखा ही हुआ है इन पे, आजाद मार्केट है ये सारी। और ये बाहर की तरफ यहाँ पर आपको देखोगे तो कपड़ों के काफी जैकेट्स वगैरह बैग्स कंबल भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये देखो कंबल भी हैं यहाँ पर, जो सामान वगैरह के ऊपर त्रिपाल ढकते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का आइटम्स है यहाँ पर मिसलेनियस से। बाकी यहाँ पर जो मेन है आपको वो दिखाएंगे अभी हम, क्रॉकरी मार्केट जो है। और यहाँ पर संडे को जो है पटरी बाजार भी लगता है आजाद मार्केट में, तो उसका व्लॉग हम अभी बनाया नहीं है, किसी दिन वो भी आपको दिखाएंगे एक बार यहाँ पर जो संडे बाजार लगता है। बाकी जो है यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इनके क्रॉकरी मार्केट को, ये है ये। और यहाँ पर आपको क्रॉकरीज देखने को मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा, इस तरह से कुछ बर्तन भी हैं पर अंदर की तरफ क्रॉकरीज हैं यहाँ पर सारी। ये देखो आप, ये सारी क्रॉकरी मार्केट है। तो ये पैकिंग हो रही है क्रॉकरी की, इस तरह से भैया कर रहे हैं। और इस तरह से ये कोई पटरी नहीं है, यहाँ पर शॉप्स ही है मैक्सिमम, और उसी के बाहर थोड़ा सा आपको आगे तक दिख जाएंगी इस तरह की क्रॉकरीज। ये संडे को बंद रहती है, बाकी ये 10-11 बजे से लग जाती है मॉर्निंग में, और इवनिंग तक चलती है ये। तो यहाँ से भी हम अब सीधा सीधा
यहाँ पर अब क्रॉकरी दिखना बंद हो गई हैं। तो ये गली सीधा सीधा यहाँ से अब अंदर अंदर से अब हम जा रहे हैं और ये जाके आगे जाके ये भी मिल जाती है मिठाई पुल की हो रही। तो वापस से हम देखो इधर आ गए हैं मिठाई पुल। तो इस साइड से हम गए थे और अंदर गली से आ गए हैं, ये आज़ाद मार्केट थी। तो अब मिठाई पुल पर आ गए हैं और इस साइड में आपको बता ही रहा था इसके दूसरी तरफ है पीली कोटी, जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स दालें मसाले ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये देखो ये वाला एरिया जो आ गया है ये है पीली कोटी। तो ये देखो इस तरह के यहाँ आइटम्स मिलते हैं सारे। भैया जो ये वाली मार्केट है ये डेली लगती है, संडे भी खुली होती है और सुबह कितने बजे से लग जाती है? सुबह 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक। अच्छा, सुबह 5 से रात को 9 बजे तक की मार्केट लगती है डेली? डेली, संडे को भी। तो संडे को भी ये मार्केट लगती है, डेली मिल जाएगी सुबह 5 से रात के 9 बजे तक। तो ये एरिया है पूरा पीली कोठी। तो गाइज अगर आपको इस मार्केट में आना है और आज़ाद मार्केट में आना है तो आपको 30,000 ही नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। गाइज अभी हमने रिक्शा ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं 30,000 ही मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वहाँ से भी आपको एक बार रूट दिखाना है। 30,000 से भी कई लोग आते हैं तो आप 30,000 से भी आ सकते हैं और नज़दीक आपको यहाँ से, और यहाँ से भी आप जो है सारी मार्केटों में आ सकते हैं। यहाँ से भी मतलब आज़ाद मार्केट और पीली कोटी, ये तो खैर नज़दीक है यहाँ से, और टॉय मार्केट भी आ सकते हैं और सदर बाज़ार का मेन बाज़ार और कुतुब रोड। तो यहाँ पर ठीक सामने जो है वो 30,000 मेट्रो स्टेशन है। तो ठीक हमारे पीछे है 30,000 मेट्रो स्टेशन और यहाँ से भी आप इन सभी बाजार में आ सकते हैं। तो वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं जाते जाते, और ये जल्दी से दिखाते हैं आपको। तो यहाँ के गेट नंबर 1 से आपको एग्जिट करना है। तो इस फुट ओवर ब्रिज पर आप आ जाएंगे और इससे आप क्रॉस कर लेंगे रोड को, और यहाँ से जैसे ही आप नीचे आएंगे और वहाँ से आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा। तो ये देखो गाइस नीचे आते हैं आपको इस तरह से बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं हम डायरेक्ट सदर बाज़ार। कितना किराया है भैया सदर बाज़ार का? 20 रुपये सवारी। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे बैटरी रिक्शा 20 रुपये सवारी में। तो इधर से आपको दिख गया अभी ये मिठाई पुल है। तो गाइस बैटरी रिक्शा से हम इधर उतर गए हैं और यहाँ से आपको मैंने बताया था कि इधर से भी आप सदर मेन बाजार में एंट्री ले सकते हैं। तो ये सदर मेन बाजार का मेन रोड है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे 12 टूटी चौक। तो सेम 30,000 से भी आप इन सभी मार्केटों में आ सकते हैं। तो गाइस वापस से हम आ गए हैं अब 12 टूटी चौक। तो दो तरह से हमने आपको आज यहाँ पर 12 टूटी चौक पर आने का तरीका बताया, एक आर के आश्रम से और दूसरा 30,000 मेट्रो स्टेशन से। और यहाँ से प्रेफरेंस हम देंगे तो हम देते हैं आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन को, क्योंकि वहाँ से थोड़ा इजी पड़ता है और सीधा रूट है। तो गाइज आज का वीडियो था कुछ रास्ते के बारे में ही, जिससे कि आपको सारे रास्ते पता लग जाए और आप इनमें से किसी भी मार्केट आ पाएँ। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।